तो आज का हम क्लास जो डिस्कस करेंगे वो चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन। तो मोशन इन अ प्लेन में हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। एक्चुअली जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो एक टू डायमेंशनल मोशन है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मोशन इन अ प्लेन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है ये बेस्ट एग्जाम्पल से हम सीख सकते हैं। मान लीजिए ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें हम एक बॉडी को स्टडी कर रहे हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब मान लेते हैं ओरिजिन से हम एक बॉडी को, लेट अस से फुटबॉल को किक करते हैं। अब आप सबने देखा है कि अगर हम एक फुटबॉल को किक कर दें तो वो ऐसा एक पैराबॉलिक पाथ फॉलो करते हुए दूसरे एंड पे गिर जाता है। तो लेट अस से ये हमने एक पाथ दिखाया है कि जब हम एक फुटबॉल को किक करेंगे तो ऐसा एक पैराबॉलिक पाथ फॉलो करते हुए कुछ टाइम के बाद ऐसे ग्राउंड पे हिट कर जाएगा। तो ये जो फुटबॉल जो मोशन कर रही है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट? सो दिस इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जाम्पल। तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन को लिख सकते हैं व्हेन अ बॉडी आफ्टर रिलीजिंग फॉल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली इन अ टू डायमेंशनल मोशन इट इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो फुटबॉल को किक करना एक एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन का। अब हम लेट कर लेते हैं कि एक बॉडी है, जैसे मैं फुटबॉल के एग्जाम्पल से ही सिखा रहा हूं। तो ये बॉडी है जिसको हमने इनिशियल वेलोसिटी यू से हिट किया एट सम एंगल थीटा फ्रॉम द ग्राउंड। अब ये एक ऐसा पैराबॉलिक पाथ फॉलो करेगी। अब हम क्या करते हैं, इसको स्टडी करने के लिए इसके इनिशियल वेलोसिटी यू के दो वेक्टर कंपोनेंट कर लेते हैं। अब यू का जो एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस होगा वो यू कॉस थीटा होगा और दूसरा कंपोनेंट जो अलोंग वाई एक्सिस होगा वो यू साइन थीटा होगा। तो ये हमने यू के दो कंपोनेंट कर लिए, यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा। तो हम इसको थोड़ा लिखते भी जाते हैं। लेट अ बॉडी इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी यू फ्रॉम द ग्राउंड एट सम एंगल थीटा, राइट? रिजॉल्विंग यू इंटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब हमने उसके इनिशियल वेलोसिटी यू के दो कंपोनेंट कर लिए, यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा, राइट? अब जो ये यू कॉस थीटा कंपोनेंट है ये इस फुटबॉल को फॉरवर्ड मूव कराएगा अलोंग एक्स एक्सिस। और दूसरी बात, इस कंपोनेंट की वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा, यानी कि पूरी जर्नी में
जो यू कॉस थीटा कंपोनेंट है लॉन्ग एक्स एक्सिस, उसकी वैल्यू बिगिनिंग से लेकर एंड तक सेम रहेगी। देखो जब हमने इसे फेंका था तो भी यू कॉस थीटा था, हाईएस्ट पॉइंट एच पर भी उसकी वैल्यू यू कॉस थीटा ही रही, और जब वो लैंड किया तो भी उसकी वैल्यू यू कॉस थीटा ही रही। रीजन बीइंग कि जो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस होगी वो जीरो होगी, निग्लेक्टिंग एयर ड्रैग, क्योंकि एक्स एक्सिस में उस बॉडी पे जो फोर्स लगा सकता है वो सिर्फ एयर फोर्स लगा सकती है। अगर फोर्स ऑफ एयर अलोंग बॉडी मोशन है तो वो उसके वेलोसिटी को बढ़ा देगी एक्स एक्सिस में, लेकिन अगर वो हवा ऑपोजिट डायरेक्शन से चल रही है तो वो यू कॉस थीटा की वैल्यू को डिक्रीज कर देगी। लेकिन क्योंकि हम एक्स एक्सिस में एयर ड्रैग को निग्लेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब एक्स एक्सिस में उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी। और हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था कि जब एक बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो होती है तो वो यूनिफॉर्म मोशन होता है, मतलब वो उसकी वेलोसिटी की वैल्यू में चेंज नहीं होता। तो दैट इज वाई यू कॉस थीटा थ्रू आउट द मोशन कॉन्स्टेंट रहेगा। और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस में उसका मोशन किस नेचर का है, यूनिफॉर्म मोशन। अब आ जाते हैं वाई एक्सिस की तरफ, लेकिन वाई एक्सिस में इसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा क्योंकि वाई एक्सिस में ये मूव कर रही है और वाई एक्सिस में ग्रेविटी भी एक्ट करती है। अब एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस जी होती है क्योंकि वाई एक्सिस वर्टिकल प्लेन में लिया है तो ग्रेविटी डाउनवर्ड लगती है नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस जी होगा। तो इसका मतलब इसका वाई एक्सिस में मोशन जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पे लग रही है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया। तो हम नटशेल में ये कह सकते हैं कि बॉडी एक साथ दो मोशन कर रही है, एक्स एक्सिस में उसका मोशन यूनिफॉर्म है जबकि वाई एक्सिस में उसका मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, राइट? तो इस हम नॉलेज को ध्यान में रखेंगे और इसी को ही यूज करके हम इसके जो भी फार्मूले हैं वो बनाएंगे। अब हम फर्दर लेट कर सकते हैं, लेते हैं लेट एट एनी टाइम टी द बॉडी इज प्रेजेंट एट पॉइंट पी एक्स कोमा वाई अलोंग इट्स पैराबोलिक पाथ। अब क्योंकि बॉडी मूव कर रही है तो हम मान लेते हैं कि बॉडी किसी भी टाइम पर ये पी पॉइंट पर पहुंच चुकी है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, ये वाला पॉइंट यहां पर है फुटबॉल। इसका मतलब उस टाइम टी में वो फुटबॉल फॉरवर्ड मूव की है एक्स डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर गई है वाई, तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए एक्स कोमा वाई, राइट? स्टडिंग मोशन अलोंग एक्स एक्सिस अप टू पॉइंट पी। अब हम क्या करते हैं, उस बॉडी का मोशन अलोंग एक्स एक्सिस पढ़ते हैं अप टू पॉइंट पी। अब क्योंकि एक्स एक्सिस में मोशन यूनिफॉर्म है तो हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में यही फार्मूला होता है, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी इनटू टाइम। अब हमने डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस को एक्स लिया है, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस है वो है यू कॉस थीटा और टाइम लेट अस से टी लगा। तो हमारा ये अभी तक हो गया एक्स इज इक्वल टू
u cos थीटा इंटू टी, यहां से हम टाइम t को बाकी वेरिएबल में फाइंड कर लेंगे, तो t बराबर आ जाएगा x बाई u cos थीटा। इसको अभी मैंने इक्वेशन वन कह के रख दिया ताकि इस वैल्यू को बाद में यूज कर सकेंगे। आल्सो स्टडिंग मोशन अलोंग वाई एक्सिस अप टू द पॉइंट बी, तो हम अब फिर से उस बॉडी का मोशन स्टडी करते हैं वाई एक्सिस में अप टू पॉइंट बी। अब देखते हैं हम वाई एक्सिस में हमें क्या क्या गिवन था। अब इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में हमें गिवन है प्लस यू साइन थीटा, क्योंकि वो यू साइन थीटा से वाई एक्सिस में मूव कर रही है। एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में माइनस जी हो जाएगी। अब यू वाई सी को मैंने प्लस क्यों लिया है और ए वाई को माइनस क्यों लिया है, क्योंकि हमने ऊपर जाने वाली डायरेक्शन को प्लस साइन दिया है और ग्रेविटी नीचे लगती है तो उसे माइनस साइन दिया है। तो क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो इसीलिए हमें अगर अपवर डायरेक्शन को प्लस कहना पड़ेगा तो डाउनवर्ड को माइनस साइन के साथ लिखेंगे। जो डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में है वो भी प्लस वाई होगी, क्योंकि वो भी ऊपर है, ऊपर की तरफ फुटबॉल जा रही है। और हमें टाइम हम निकाल चुके हैं कि उसे पी पॉइंट तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा एक्स बाई यू कॉस थीटा इक्वेशन वन से। अब इन चारों में एक फार्मूला होता है, रिलेशन होता है एक्सेलरेटेड मोशन का, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो ये मैंने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का फार्मूला यूज कर लिया। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। अब एस वाई है प्लस वाई, यू वाई है प्लस यू साइन थीटा, टाइम है एक्स बाई यू कॉस थीटा प्लस हाफ ए वाई है माइनस जी, और फिर टी स्क्वायर यानी कि एक्स बाय यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये मैंने इस रिलेशन में वैल्यू पुट कर दी। इसको हम सॉल्व करते हैं, स्मॉल यू से स्मॉल यू कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा होता है, बीच में माइनस साइन आ जाएगा। जब एक्स बाय यू कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो इसको लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये एक रिलेशन बन गया, फार्मूला बन गया, जो उस बॉडी के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को आपस में एक इक्वेशन से जोड़ रहा है। मतलब अब अगर हमें उस बॉडी का वाई पता है तो हम एक्स के लिए सॉल्व कर सकते हैं और एक्स पता है तो वाई के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हमने ये पहला फार्मूला डिराइव किया, द इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो आपको सबसे पहले ये डिराइव करना आना चाहिए। तो उसके बाद हम कुछ और टर्म्स डिराइव करेंगे, जैसे सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम कुछ और टर्म्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहली जो टर्म प्रोजेक्टाइल मोशन से जुड़ी रहती है उसे कहते हैं वर्टिकल हाइट रीच्ड, इसे स्मॉल एच सिंबल से डिनोट करते हैं।
वर्टिकल हाइट रीच का मतलब कि अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें कि जितना वो हाईएस्ट पॉइंट तक वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर जा सकती है बॉडी, उसको उसकी वर्टिकल हाइट रीच बोलते हैं, राइट? कि ये फुटबॉल मैक्सिमम इतना हाइट ऊपर जा सका इस पर्टिकुलर एंगल पर, और उसके बाद फिर वो डाउनवर्ड आना शुरू हो गया, तो उस हाइट को उसकी वर्टिकल हाइट रीच बोलते हैं। अब हमें इसका भी फार्मूला बनाना है, तो उसके लिए हम स्टडी करेंगे स्टडिंग मोशन ऑफ बॉडी ऑन वाई एक्सिस अप टू द हाइएस्ट पॉइंट। तो हम वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में उस बॉडी के मोशन को स्टडी करेंगे अप टू द हाइएस्ट पॉइंट, देखते हैं क्या वैल्यूज हैं। इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में प्लस यू साइन थीटा, एक्सेलरेशन वाई एक्सिस के अलोंग माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में हाईएस्ट पॉइंट तक प्लस एच, और फाइनल वेलोसिटी वाई एक्सिस में हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो हो जाएगी, क्योंकि जब भी कोई बॉडी को हम ऊपर उछालते हैं तो वाई एक्सिस में हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि जहां एक्स एक्सिस कंपोनेंट तो थ्रू आउट मोशन कांस्टेंट रह रहा है, बट वाई एक्सिस की वैल्यू वेलोसिटी की हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो हो जाती है, राइट? तो अब हमें ये चार वैल्यूज गिवन है, और इन चारों में जो रिलेशन एग्जिस्ट करता है वो कौन सा है? वी वाई स्क्वेयर माइनस यू आई स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए एस। तो हमें ये फॉर्मूले मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से पता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू एस। फिर से हम इस रिलेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं, वी वाई हो गया जीरो, यू वाई हो गया यू साइन थीटा, टू ए वाई हो गया माइनस जी, और एस वाई हो गया प्लस एच। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस टू जी एच। तो यहां से माइनस साइन से ये माइनस साइन कैंसिल हो रहा है, तो हम यहां से एच के लिए फार्मूला बना लेंगे, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी। अब ये भी एज अ फार्मूला यूज होगा, किसी भी न्यूमेरिकल में हम डायरेक्टली इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं कि वो जो बॉडी है वो हाईएस्ट किस पॉइंट तक जाएगी, उसकी हाइट कैसे निकल सकती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी। जैसे कि डायग्राम में नजर आ रहा है, थीटा एंगल फ्रॉम द ग्राउंड है जिस एंगल पे हमने बॉडी को थ्रो किया है, और यू उसकी इनिशियल वेलोसिटी वैल्यू है, और स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। आई होप ये रिलेशन कैसे आया वो आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड जो टर्म हम डिस्कस करेंगे और उसका फार्मूला बनाएंगे वो कहलाती है टाइम ऑफ लाइट, राइट? टाइम ऑफ लाइट, टाइम ऑफ लाइट वो इंटरवल होता है टाइम का जिसमें जितने टाइम में वो बॉडी हिट करने के बाद मिड एयर में रही बिफोर लैंडिंग ऑन द ग्राउंड अगेन, उस टाइम गैप को उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, राइट? यानी कि हमने जैसे ही फुटबॉल को किक किया, लेट अस से मैंने अपनी क्लॉक ऑन कर दी, अब ये फुटबॉल मिड एयर में है और अभी मिड एयर में ही है, और कुछ टाइम गैप के बाद वो दोबारा ग्राउंड पे ऐसे हिट करेगी। तो अगर उस टाइम गैप के इंटरवल को मैं कैलकुलेट कर लूं तो वो उसका क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, द टाइम इंटरवल फॉर विच
अ बॉडी रिमेन्स इन एयर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हिटिंग द बॉडी टू द पॉइंट ऑफ लैंडिंग बैक ऑन द ग्राउंड राइट. तो उसको उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, यानी कि जितना टाइम उसने मिड एयर में स्पेंड किया. अब हमें इसका भी रिलेशन बनाना है, तो उसके लिए भी हम फिर से स्टडी करते हैं, स्टडिंग मोशन अलोंग वाई एक्सिस अप टू द हाईएस्ट पॉइंट. तो हम फिर से उस बॉडी का मोशन स्टडी करते हैं y एक्सिस में अप टू द हाईएस्ट पॉइंट. तो पहले देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है. तो हमें इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में गिवन है प्लस u साइन थीटा, एक्सेलरेशन y एक्सिस में माइनस g. ये प्लस माइनस कैसे लेना है मैंने बताया. हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी y एक्सिस में जीरो हो जाएगी, और जो टाइम लगेगा वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ लगेगा. क्यों हाफ लगेगा? क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में उसने अभी आधा जर्नी ट्रेवल किया है. तो क्योंकि अभी उसने आधी जर्नी ट्रेवल ही की है, तो टाइम भी टोटल टाइम का हाफ ही लगेगा, तो टाइम टी बाई टू हो जाएगा. अब इन चारों में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो हमें एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन पता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो इस रिलेशन में जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एक रिलेशन है, इस रिलेशन में हम वैल्यू पुट कर देते हैं. तो वी वाई हो गया जीरो, यू वाई हो गया प्लस यू साइन थीटा, ए वाई हो गया माइनस जी, और टाइम हो गया टी बाय टू. अब इसे हम सॉल्व करते हैं टाइम के लिए. जैसे माइनस जी टी बाय टू को मैं लेफ्ट साइड ले आता हूँ, तो वो प्लस जी टी बाय टू रह जाए हो जाएगा, और राइट साइड में प्लस यू साइन थीटा ही रहेगा. अब मैं यहाँ से कैपिटल टी के लिए फार्मूला बना सकता हूँ बहुत आराम से. तो अगर हम लेफ्ट साइड में कैपिटल टी को अकेला छोड़ दें, तो ये मेरा फार्मूला बन गया कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल मोशन का होता है वो किसके बराबर होता है, टू यू साइन थीटा बाय जी. तो ये भी फार्मूला है, तो इसको भी डिराइव भी करना आना चाहिए और फार्मूला लर्न भी करना है. ओके, ये समझने के बाद अब हम एक और टर्म डिस्कस करते हैं जिसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज. हाँ जी, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज माने कि जब हम एक बॉडी को थ्रो करते हैं तो वो ग्राउंड पे कितना दूर जाकर लैंड करी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, उस डिस्टेंस को ऑन द ग्राउंड हम क्या कहते हैं, उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज. जैसे कि आपको पता है बहुत सारी गेम्स में हॉरिजॉन्टल रेंज जिसकी सबसे ज्यादा होती है उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है कि भाई कौन विनर है कौन लूजर है. जैसे जैवलिन थ्रो में जो जितना दूर फेंकता है जैवलिन को वही विनर कहलाता है. तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा? इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस
on the ground where the body lands from the पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. तो जितना दूर जाकर वो लैंड करेगी यानी कि दोबारा ग्राउंड पे हिट करेगी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहां से हमने उसे हिट किया था, उसे फेंका था किसी एंगल पर, तो वो उसका हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाएगा. राइट. तो मान लो ये यहाँ पे लैंड कर रहा है और यहां से हमने उसको थ्रो किया था, तो उसका हम फार्मूला बनाते हैं. तो उसके लिए हम अब स्टडी करेंगे स्टडिंग मोशन अलोंग एक्स एक्सिस अप टू द पॉइंट ऑफ लैंडिंग. तो हम उस बॉडी के लैंडिंग पॉइंट यानी कि जहां पे वो लैंड करती है वहां तक स्टडी करेंगे. अब क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस वो एक यूनिफॉर्म मोशन है तो हमें यूनिफॉर्म मोशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो होता है यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम. अब बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट और लॉन्ग एक्स एक्सिस है उसे हमने रेंज बोला है. जिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो एक्स एक्सिस में मूव कर रही है वो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है यू कॉस थीटा. और टाइम, अब जो वो टाइम लेगी वो एक्चुअली टोटल टाइम हो जाएगा टाइम ऑफ लाइट. अगर हम थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा लें तो हमें पता लग जाएगा कि वो टाइम टोटल टाइम ही लेगा जितने टाइम में वो मिडियर में रहा. अब हम नेक्स्ट स्टेप में जो टाइम ऑफ लाइट का फार्मूला हमने बनाया था वो यूज कर लेते हैं. अब किसी भी बॉडी का टाइम ऑफ लाइट अभी हमने ऊपर ही फार्मूला बनाया है वो होता है 2u sin θ/g. तो हम t के जगह ये रिप्लेस कर देंगे. अब इसे थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, u और u मल्टीप्लाई होके यू स्क्वेयर हो जाएगा और रह जाएगा 2 sin θ cos θ नीचे बाय जी. अब मैथ्स में एक फार्मूला बताया जाता है कि 2 sin θ cos θ sin 2θ होता है. तो अगर हम उस मैथ्स की नॉलेज को ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला यूज कर लें कि 2 sin θ cos θ is equal to sin 2θ, तो ये हम फार्मूला यूज कर सकते हैं रेंज के लिए कि एक बॉडी की जो प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज होता है मतलब कितना दूर जाकर वो गिरता है वो किसके बराबर होता है u² sin 2θ/g. तो ये हमारे तीन फार्मूले डिराइव हो गए, इनफैक्ट चार. फर्स्ट था इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, सेकेंड था वर्टिकल हाइट रीच कितना ऊपर तक जाएगा बॉडी, थर्ड टाइम ऑफ लाइट और फोर्थ ये अभी हमने निकाला है रेंज. थ्योरी का लास्ट टॉपिक कर लेते हैं छोटा सा. कई बार ये हमें प्रूफ करना आता है कि प्रूव दैट अ बॉडी थ्रोन विद a given initial velocity u show same range for angle theta and 90 minus theta. हाँ जी, इसका पहले सिंपल हम मतलब समझ लेते हैं कि मान लो हमें कोई कहे कि इस फुटबॉल को आप थीटा एंगल पे हिट करो एक गिवन स्पीड से. अब तो ये मैंने थीटा एंगल पे फुटबॉल को फेंका और ये कुछ
दूर जाकर ऐसे ग्राउंड पे हिट कर दी। अब मान लो हम सेम फुटबॉल को एक दूसरे एंगल पे फेंकते हैं, दैट इज 90 माइनस थीटा, और वो वहीं जाके लैंड करती है जहां पर पहली बॉल लैंड कर रही थी, यानी कि दोनों केसेस में रेंज सेम आएगी। जितना दूर वो थीटा एंगल पे जाकर गिरी, उतना ही दूर वो 90 माइनस थीटा एंगल पे जाके गिरी, यानी कि वो सेम रेंज दिखाता है। ये हमें प्रूफ करना है, तो उसे हम प्रूफ करते हैं। व्हेन द बॉडी इज थ्रोन एट एंगल थीटा, अब जब उस बॉडी को एंगल थीटा पे हम फेंकेंगे तो उसकी रेंज कितनी होगी? यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय जी, क्योंकि हमने रेंज का यही फार्मूला भी ऊपर निकाला है ना। नाउ लेट अस थ्रो द बॉल या बॉडी विद सेम इनिशियल वेलोसिटी यू बट एट एंगल 90 माइनस थीटा। तो मान लेते हैं हम उसी बॉडी को फिर से फेंकते हैं, लेकिन अब एंगल बनाते हैं 90 माइनस थीटर, तो न्यू रेंज कितनी होगी? लेट अस से हम न्यू रेंज को आर डैश कह दें। अब हम फार्मूला यही वाला यूज करेंगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, बस हम थीटा को 90 माइनस थीटा ले लेंगे। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा बाय जी। हम इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं, 2 से ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो ये 290 से इंटू होगा, 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। अब मैथ्स में ये अगेन बताया जाता है कि साइन 180 माइनस ए साइन ए ही हो जाता है। तो अगर हम किसी एंगल को 180 डिग्री में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे साइन ए ही लिखा जा सकता है। तो अगर हम उस नॉलेज को यहाँ अप्लाई करें तो साइन 180 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा ही लिखा जा सकता है, लेकिन इक्वेशन 1 से जो यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय जी थी वो तो ओरिजिनल रेंज ही थी, यानी कि हमने ये प्रूव कर दिया कि जो न्यू रेंज आएगी आर डैश वो ओरिजिनल रेंज के ही बराबर होगी, प्रोवाइडेड हम एक बॉडी को सेम वेलोसिटी से थ्रो करते हैं, बट वन एट एंगल थीटा एंड अदर एट एंगल 90 माइनस थीटा। सो दिस वाज द थियोरेटिकल पार्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको अच्छे से समझ लेना, देख लेना और स्टडी कर लेना। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।